हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स अपनी आएगी। फिर हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग्स है यहाँ पर शो हो रही है यहाँ, तो आपको सर्च करना है रीसेट। तो रीसेट ऑप्शन आपको सर्च कर लेना है तो आपके सेटिंग्स आ जाएगी। तो उस पर जाना है, फिर आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करते जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए नेटवर्क डाटा को यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे फ़ोन से सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन अपने आएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स भी अपनी आएगी। तो जो नेटवर्क प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग्स पे। सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करें, सेटिंग्स ओपन हो जाएगी जहाँ से इसको ओपन करते हैं। और जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए नेटवर्क डाटा को यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे फ़ोन से सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में और भी सेटिंग्स जैसे वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ सेटिंग को भी आप यहाँ से रीसेट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।